मुंबई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन का बिगुल अब बज चुका है। तमाम सियासी पार्टियां तैयार हैं ताल ठोकने के लिए, लेकिन ऐसे में वार्डों की तकसीम को लेकर ज़कात फाउंडेशन के कारकुन ने अपने एतराजात इलेक्शन कमीशन में न सिर्फ दर्ज करवाए हैं और ये भी बताया है कि जो वार्डों की तकसीम हुई है उसमें खामियां हैं और गलत तरीके से वार्डों को तकसीम किया गया है, जिसमें पसमानदा तबकात के नुमाइंदों को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा और आगे चलकर जो वार्डों की तकसीम है इससे काफी नुकसान उठाने की अंदेशा जाहिर किया है इन्होंने। बताया हमारे चेयरमैन साहब है, हमारा जो ऑपरेशन का जो मामला है वो ना किसी राजनीतिक दल से है ना कोई इलेक्शन से। हम वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर वार्ड परिसमन के अंदर इलेक्शन होते हैं, कानून के अंदर ही जाते हैं। पीएमसी के अंदर जो 247 वार्डों के साथ जो 36 वार्ड बने हैं इसके अंदर स्टेट इलेक्शन कमीशन ने एक स्टेटमेंट सुनी टोटल SC टोटल पॉपुलेशन को भेजा, इसी के अंदर गैरमाउंटिंग तरीके से उन्होंने 36 वार्डों का विभाजन किया, इसी के आधार के ऊपर SC वार्ड बनेंगे और इसी के आधार के ऊपर वार्डों का विभाजन पुनर्गठन किया जाएगा। इसके अंदर 2017 के अंदर जो वार्ड बने थे 15 वार्ड SC के वो 14.52 में बना के भेजा था और 85% आबादी को बाहर कर दिया था SC के, ये हमारे परीक्षण में पाया गया। अभी 2036 वार्डों के अंदर इन्होंने 20.54 के ऊपर 15 वार्ड बना दिए, यानी 8 लाख की आबादी में हम 6.5 लाख की आबादी को अगर बाहर कर दिए। अब 15% वार्ड जब SC का बनेगा तो 85% आबादी बाहर हो जाएगी, वो समुदाय वंचित हो जाएगा। अब रही अन्य समुदाय की बात, तो 1973-74 में जो संविधान में संशोधन हुआ था 1993-94 में, इसका मूल उद्देश्य ये था कि छोटे छोटे समुदाय को ऋतु राज मिले, गाँव के अंदर भागीदारी मिले सत्ता में, ये उससे वंचित कर दे रहा है महाराज इलेक्शन कमीशन। इन्होंने जो स्टेटमेंट बना के भेजा है उन्हीं को हमने प्रॉक्सी स्टेटमेंट बनाया है, उसी के अंदर हमने 15 वार्ड बनाया है, वही 15 वार्ड जो है रिजर्व रहेंगे पूरी संभावना है। अब मामला यह है कि चुनाव के पहले या परिसमन के जो पहले जो काम किया जाता है इलेक्शन कमीशन ने जो काम किया है ये राजनीतिक दल को फायदा पहुँचाने के लिए गैरमंडी के तहत बैठ कर उनके साथ में मिल के जिन्होंने अनुचित लाभ पहुँचाने के लिए अन्य पार्टियों को परिसमन किया। इलेक्शन कमीशन तो ये कहते हैं कि आबादी के लिहाज से आबादी बढ़ चुकी थी इसलिए जो है वार्डों को बढ़ाया गया है और उसमें जो है आम लोगों को सहूलत बढ़ाने के लिए वार्डों की तकसीम की गई। हम इसका आरोप ही नहीं लगा रहे, 300 वार्ड कर दें संविधान में संशोधन करके उन्होंने एक्ट के अंदर 247 से जगह 236 करा, बहुत अच्छी बात है। परंतु हमारा मामला ये है कि जो EB को तोड़ा गया है, सेंसस ब्लॉक को जो छेड़खानी की गई है, हमने बाकायदा 173 वार्ड के अंदर बाकायदा EB को इंगित करके बताया हमने कि आपने शुरुआत के अंदर यहाँ तोड़ा, बीच को तोड़ा, 171 वार्ड को ये EB को 73 में डाला, 72 में डाला, हमने बाकायदा EB का परीक्षण किया है और 27,000 EB थी 227 वार्डों में और अभी 22,000 EB है, ये 22,000 EB को 236 वार्डों में विभाजित किया जाता है, उसको उठा के यहाँ रख दिया जाता है, इसको उठा के यहाँ रख दिया जाता है, इसीलिए वार्ड जो है कभी उसकी स्थिति शाम बन जाती है, कभी मूड बन जाती है, कभी कभी बन जाती है। ये EV को जो खेल खेला जाता है सबसे मेन काम वो है EV का, और हमने 15 वार्ड ऐसे बताए हैं जो 10% आबादी से ज़्यादा बनाए गए हैं 18 वार्ड, और 25 वार्ड के अंदर 10% से कम आबादी को परिसीमित करके वार्ड बनाए हैं, वो भी हमने आपत्ति लगा के और पूरे के पूरे वार्डों की सूची दी। ये इनका ये इल्ज़ाम है कि किस तरह से वार्डों को जो तकसीम किया गया है वार्डों की तकसीम गलत तरीके से की गई, जिसका जो नुकसान है पसमानदा तबकात को होगा, उनकी नुमाइंदगी जो है कॉरपोरेशन के इलेक्शन में घटेंगी और कॉरपोरेशन के इलेक्शन में जब पसमानदा तबकात की आबादी को जो है जहन में नहीं रखा जाएगा तो जाहिर सी बात है कि इसका नुकसान जो है ना बराबरी के दर्जे में आएगा। तो ऐसे में इनका मुतालबा है कि वार्डों की तकसीम ठीक तरीके से की जाए, अगर वार्डों की तकसीम ठीक तरीके से नहीं की जाती तो ये कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए तैयार है जहाँ के इंसाफ